सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, वेलकम, हम समझते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए वापस एक मस्त गुड न्यूज लेकर के आ चुका हूँ। वेल डन। ये नहीं पूछोगे कि गुड न्यूज किसके बारे में है? बताओ। बहुत जल्दी हम सभी को फ्री फायर के अंदर पहले जैसा एक मिस्ट्री शॉप देखने के लिए मिलने वाला है। अच्छा, मिस्ट्री शॉप तो मिस्ट्री शॉप होता है, पर पहले जैसा क्या? मतलब पहले जैसा आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर इलीट पास देखने के लिए मिलता था, इस बार हो सकता है कि बुया पास भी आप लोगों को इस मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इस वाले मिस्ट्री शॉप को पूरी डिटेल में, कब तक ये आप लोगों को गेम के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। और ये मिस्ट्री शॉप के अंदर आप लोगों को बुया पास के अलावा और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बंडल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं ये भी आपको बता दूंगा। चलिए फिर बिना किसी देरी किए, बिना किसी वक्त बर्बाद किए शुरू करते अपने आज का वीडियो एंड शुरू करते अपने आज का कार्यक्रम। तो दोस्तों, जैसे कि ट्यूनेट अपडेट के अंदर मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था, फाइनली हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं कुछ स्पेशल वाउचर्स और वो भी हम लोगों को फ्री में मिल चुके हैं। मेरे को फ्री में मिल गया क्योंकि मैंने आज सुबह गेम प्ले किया था। अगर आप लोगों ने भी खेला होगा तो फिर ये आप लोगों को भी फ्री में मिला होगा। कुल यहाँ पे 3 वाउचर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर स्पिन मारते, मतलब गोल्डन सेड वाले टोकन व्हील के अंदर स्पिन मारते, क्या हम लोगों को इसके अंदर से बंडल मिल पाएगा या फिर नहीं। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने इनक्यूबेटर के अंदर, सॉरी अपने मिस्टिकल रिंग के अंदर, जो कि एक टोकन व्हील ही है। ठीक है, हम लोग के पास है कुल 3 वाउचर्स। ओके, एक हम लोगों ने स्पिन मार लिया, अब देखते हैं हम लोग को इधर से क्या मिलता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है? ओके भाई साहब, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर से 2 टोकन ही मिल पाए। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे स्पिन मारते हैं और देखते हैं हम लोग को इधर से क्या मिलता है। वापस से हम लोग को 2 टोकन मिल चुके हैं। अब बचता है लास्ट टोकन, देखते हैं गरना वाले इस बार हम लोग कुछ भी देते हैं या फिर नहीं। ओके भाई, बंडल के ऊपर जा रहा है पर नहीं मिल रहा यार। 3 टोकन हम लोग को वापस से मिल गए, कुल हमारे पास हो चुके हैं 7 टोकन। अब इन 7 टोकन से मैं क्या करूंगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एक अच्छा चीज तो यहाँ पे गरेना ने किया है, जो यूनिवर्सल टोकन गरेना ने इस बार डाल दिया है ना, वही 7 टोकन का यूज करके आगे चल करके मैं किसी भी बंडल को ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे को और थोड़े से टोकन चाहिए होंगे, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे फ्री के टोकन हो गए, तो एक ना एक चीज तो मैं ले ही लूंगा। मान लीजिए जो टोकन हम लोग को मिल रहे ना, वो हमारे लिए मैजिक ऑफ फ्रेगमेंट्स की तरह है, और जब हमारे पास 220 या 200 के करीब टोकन हो जाएंगे, वो हमारे लिए पूरा का पूरा मैजिक क्यूब की तरह हो जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, कल रात के ट्यूनेट अपडेट के अंदर मैंने आप लोगों को ये भी अपडेट दे दिया था कि ये जो यूजी का स्किन है और इसी के साथ साथ ग्रिफिन के पूरे एम्फोरियन स्किन्स, ठीक है, सबके सब आप लोगों को एक टोकन व्हील के अंदर दिखने के लिए मिल जाएंगे। और आज सुबह आप लोग देख रहे होंगे भाई साहब वही हो चुका है। अरे तो क्या करूँ ना। अरे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्पिन मारूं, ठीक है, और इधर से कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं गाइस क्या हमारा लक हमारा साथ देता है। बहुत सारे स्किन हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब कुल यहाँ पे 6 के 6 स्किन है और सबके सब लेजेंडरी। देखते हैं पहला स्पिन के अंदर, पहला 10+1 वाले स्पिन के अंदर क्या हम लोग को कोई भी रेयर आइटम मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ओके, अभी तक तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ टोकन ही मिल रहे हैं। गाइज, ऐसे किसी के दुख के टाइम में ना हंसना नहीं चाहिए। अभी देखना आपके सामने 200 वाला स्पिन मारूंगा और अभी भी कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, मेरे को पक्का पता है यार, गरना वालों के ऊपर मेरे को ना पक्का यकीन है, वो लोग कुछ ना कुछ तो मेरे को यहाँ पर से देंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं लौटा देंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर हम लोग को इधर से कुछ भी नहीं मिलता है तो भी हम लोग इधर से टोकन्स कलेक्ट कर करके एक्सचेंज करके कोई भी आइटम्स को ले लेंगे। पर देखते हैं यार तब तक क्या होता है। 120 टोकन्स अभी तक हमारे हाथ में लग चुके हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है गाइस, क्या लगता है कुछ आइटम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? हम लोग को लास्ट में जाकर के वही घिसे पीटे एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। मेरे को तो मेरा दिल कह रहा है कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरे पास 120 टोकन है और 120 टोकन में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, वापस से हम लोगों ने स्पिन मार दिया इसके लिए, इसी के साथ हम लोग वापस से एक और बार स्पिन मारेंगे और अब देखते हैं हम लोगों को क्या मिलता है। ओके, वापस से टोकन मिल रहे हैं यार, गलत बात है भाई, 159 टोकन हो चुके हैं। ओए, इसको लेने के लिए 150 टोकन चाहिए। ओके, एक इसको लेने के लिए 175 चाहिए और इस वाले को लेने के लिए 200 चाहिए। मेरे को यही वाला चाहिए गाइस। ठीक है, कुछ स्पिन और मारते हैं और अभी हम लोग देखते हैं हम लोग को इधर से क्या मिलता है। ठीक है, और 200 वाला स्पिन मार लेते हैं, देखते हैं इस बार हम लोग को क्या मिलता है। ओके, टोकन मिले, 178 टोकन हमारे पास हो चुके हैं गाइस। ठीक है, अभी 200 टोकन ही चाहिए हम लोग को। देखते हैं एक और बार स्पिन मारेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हम लोग को इधर से क्या मिलता है। लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूँ, मेरे पास जो पहले से यूजी का स्किन पड़ा है, हाँ मेरे पास एक ना एक तो जरूर होगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर। तो जो मेरे पास है उसका एट्रीब्यूट्स क्या है और जो हम लोग को यहाँ से मिल रहा है उसका एट्रीब्यूट्स क्या है। ओके भाई, यूजी नहीं मिला, पिस्टल के अंदर होगा क्या?
वो भाई पिस्टल के अंदर ही था, ठीक है। मिनी यूजी ये वाला है मेरे पास, डबल एक्यूरेसी प्लस सिंगल डैमेज प्लस रिलोड स्पीड सिंगल माइनस, कुछ भी बुरे नहीं है इसके अंदर। हेड वगैरह अच्छा लगेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है। पर उसके अंदर ना मेरे ख्याल से रेंज ज़्यादा हो रहा था, डैमेज भी ज़्यादा ही हो रहा था, ठीक है। अगर रेंज अच्छा होगा तो भी हमारे लिए सही है, क्योंकि यूजी के अंदर रेंज बहुत कम आता है ना। इसके अंदर डबल डैमेज प्लस है, सेकंड वाले के अंदर रेंज ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसके अंदर तो आप लोगों को एम्फोरियन में देखने के लिए मिलते हैं डबल एटेप फायर, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी सी चीज़ है। अब वापस से हम लोग भाई भाई लिटरली ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था कभी, ठीक है। यूजी का स्किन मेरे को मिल जाएगा, लिटरली मैंने यहाँ पर से नहीं सोचा था। क्यों? क्यों मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने वहाँ पर से चेक करके आया, मेरे पास यूजी का स्किन ऑलरेडी था, ठीक है। तो मैंने सोचा यार यूजी का नहीं लेते हैं, ग्रिफिन एम्फोरियन ही ले लेता हूँ। वो उसका स्किल जो है मेरे को अच्छा लगा, उसका लुक भी थोड़ा सा मेरे को पसंद आया, ठीक है। पर मेरे को यहाँ पर से यूजी का स्किन मिल गया गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये वाला मेरे पास था और ये वाला हम लोगों को जस्ट अभी अभी मिला है। डबल डैमेज प्लस सिंगल मैगजीन प्लस और मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस, ठीक है। डैमेज का ठीक है, डैमेज का सही है, अगर रेंज का होता तो और भी ज्यादा मजा आता, डबल एक्यूरेसी भी हो जाता और भी ज्यादा मजा आता था, पर कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, टोकन हमारे पास बराबर हो चुके हैं उस इंप्रूवमेंट को लेने के लिए। ओके 201 के टोकन से, ठीक है, और मेरे पास चाहिए 200। ओके तो अभी हम लोगों ने इसको भी क्लेम कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंफ्रेंट ग्रिफिन्स फ्यूरी, बहुत सही सा स्किन है गाइस, इसको भी अभी हम लोग इक्विप कर लेते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं मस्त टॉपिक के बारे में, जो कि है मिस्टर सॉफ के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम लोग को हिंट मिल चुका है कि मिस्टर सॉफ हम लोग को गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं इसके अंदर हम लोग को कौन कौन से आइटम्स देखने के लिए मिलेंगे, किस कंफर्म डेट के ऊपर हम लोग को मिस्टर सॉफ देखने के लिए मिलेगा, और इस बार मिस्टर सॉफ के अंदर हम लोग को बुआ पास देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं। रुको जरा, सबर करो। उससे पहले वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, इस वाले न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल दीजिए। अगर आप लोग डेली ऐसे ही मस्त मस्त न्यूज, जैसे कि भूया पास आ रहे हैं मिस्टर सॉफ के अंदर, ऐसे मस्त मस्त न्यूज अगर देखना चाहते हो हमारे चैनल के अंदर से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल दीजिए, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं अपने मिस्टर सॉफ के बारे में। टणन 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 टणन, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कहने का ये मतलब है कि गाइस ये वाला मिस्टर सॉफ आप लोग देखिए, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये ट्रैप वाला मिस्टर सॉफ ही था, जो कि लगभग गेम के अंदर 4 साल पहले आया था। उस टाइम पे मिस्टर सॉफ के अंदर हम लोग को इलीट पास देखने के लिए मिला था। हाँ दिख भी रहा है गाइस साइड में, तो देखो क्या इस बार जो ट्रैप मिस्टर सॉफ आने वाले उसके अंदर हम लोग को बुआ पास देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ हो सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यार गरना का एनिवर्सरी इवेंट भी आ रहा है, तो क्या पता उसी खुशी में गरना वाले बुआ पास को मिस्टर सॉफ के अंदर डाल दे, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है, बुआ पास आएगा मिस्टर सॉफ के अंदर कि नहीं आएगा, कॉमेंट करके जरूर बताइए। और ट्रैप का मिस्टर सॉफ आप लोगों को दिखा दिया, तो आप सभी को ये भी जानना चाहिए ना ट्रैप का इवेंट गेम के अंदर कब तक आने वाला है। डड़न डड़न। अरे बस कर भाई। दोस्तों ये है एक बैनर, ये कोई सिंपल सा आम बैनर नहीं है जो कि किसी ने भी बना दिया, नहीं इसको गरना वालों ने खुद अपने चिकनी हाथों से बनाया है, ठीक है। तो ये जो बैनर है गरना वालों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाल दिया, ऊपर लिखा हुआ है माइक चेक 3 2 1, उसके नीचे लिखा हुआ है ट्रैप, मतलब ट्रैप का जो इवेंट है आने वाले 5 दिन के अंदर तो गेम के अंदर आ जाएगा, इस चीज का गारंटी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बस एक बार गेम के अंदर ट्रैप इवेंट को शुरू होने दीजिए, फिर आप लोगों के लिए ट्रैप का मिस्ट्री सब भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी के मन में जितने भी सारे प्रश्न थे उन सभी के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे, ठीक है। अभी कोई जवाब है तो कमेंट कर दीजिए, आपको अपने सवालों का तुरंत जवाब मिल जाएगा। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से खेलते रहो, अपने सारे एनिमीज को मारते रहो।